गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा, आशा पर्यवेक्षक के संबंध में राशि बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में जैसे खेलो यूथ के गेम्स हुए थे, अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बड़े पैमाने पर नौजवानों के लिए, यूथ के लिए संभाग स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर इन खेलों का आयोजन किए जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है और इसके लिए बड़ी राशि भी मंजूर की है। और आशा पर्यवेक्षकों के सम्मेलन में जो घोषणाएं की थी 2000 से बढ़ाकर जो उनकी प्रोत्साहन राशि है उसे 6000 करने की, उसको कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी की गई है। और जो प्रतिवर्ष उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार 1000 रुपया बढ़ेगा उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी दी गई है। आशा पर्यवेक्षकों को जो 350 से बढ़ाकर 500 किया था और अधिकतम 15000 रुपया हर महीने करने का था उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी की गई है। जो 20000 से बढ़ाकर 1 लाख सेवानिवृत्ति का आशा का किया गया था शहरी आशा पर्यवेक्षकों का भी, उसको भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में जैसे खेलो यूथ गेम्स जो हुए थे अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बड़े पैमाने पर नौजवानों के लिए, यूथ के लिए संभाग स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जाने का आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया है और इसके लिए बड़ी राशि भी आज मंजूर की है। आज विद्यार्थियों के लिए भी जो मेधावी विद्यार्थी योजना है उसकी वार्षिक आय सीमा उनके पिता पालक की 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का तय किया है। कपास के व्यापारियों का जो मंडी शुल्क का है वो मंडी शुल्क घटाकर 31/3/2024 तक 0.50 पैसे करने का, रुपए करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। ये अनुसमर्थन का मामला था। आज गुर्जर कल्याण और उनकी सामाजिक स्थिति के लिए जो देवनारायण बोर्ड था उसके गठन का भी अनुसमर्थन आज कैबिनेट में आया है, वो भी किया है। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगमों में जो कायाकल्प योजना थी शहरों के अंदर सड़कों के समृद्धिकरण के लिए, नई सड़कों के लिए आज 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी